मध्य प्रदेश के 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से 1 बजे तक 30.46% मतदान हो गया है। प्रदेश में भी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मतदान का समय शाम 6 बजे तक रहेगा। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह पहला अवसर है जब इतनी अधिक सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान का समय इस बार 1 घंटे बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच भांडेर विधानसभा सीट लेकर जबरदस्त सियासी लड़ाई चल रही है। भांडेर विधानसभा उपचुनाव के केंद्र बिंदु में आ गया है। साथ ही प्रदेश की राजनीति में इस सीट की खूब चर्चा भी हो रही है। दरअसल भांडेर विधानसभा परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट रही है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस की रक्षा सिरोनिया ने लगभग 40,000 वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रजनी प्रजापति को हराया था। वहीं कांग्रेस से बगावत कर रक्षा सिरोनिया बीजेपी में शामिल हो गई, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग अभी तक 27% वोटिंग हो चुकी है। वहीं भांडेर विधानसभा 21 उपचुनाव में मतदान जारी है। 260 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1,75,000 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दोपहर 12 बजे तक भांडेर विधानसभा 21 में लगभग 8.40% वोट डाले जा चुके हैं। अभी तक भांडेर विधानसभा 21 में शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं। भांडेर विधानसभा 21 में सीधे भाजपा से रक्षा संतराम सरोनिया और कांग्रेस से फूल सिंह बरैया की सीधी जंग है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए 2,000 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.